फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम क्लास 12 के जो बुक फर्स्ट है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2020 के एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जो आज चैप्टर नंबर 2nd पढ़ेंगे, दो ध्रुवताकांत, और ये जो वीडियो है आपका पूरा का पूरा एकलव्य स्टडी पॉइंट का जो ई बुक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, बर्लिन की दीवार कब बनी थी? तो बर्लिन की जो दीवार थी वो हमारा 1961 में बनी थी। कब बनी थी दोस्तों? 1961 में बनी थी। सेकंड क्वेश्चन हमारा, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की जो दीवार है वो 1989 को गिराई गई, 1989 को गिराई गई, 1989 को। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1917 में। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए? सोवियत संघ के खेमे में जो शामिल देश थे उन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? दूसरी दुनिया कहा जाता था। तो पहली दुनिया किसे कहते थे? पहली दुनिया अमेरिकी गुट वालों को कहते थे। और तीसरी दुनिया किसे कहते थे? तो गुटनिरपेक्ष देशों को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा वो क्या है, सोवियत संघ के किस पार्टी का शासन था? तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और सोवियत संघ का संविधान भी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, सोवियत संघ के किस मामले में यूएनओ में भारत का साथ दिया था? सोवियत संघ ने किस मामले में यूएनओ में भारत का क्या दिया था, समर्थन दिया था? तो कश्मीर मामले में। कौन से मामले में? कश्मीर मामले में सोवियत संघ ने यूएनओ में हमारा मदद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलकर के बना था? तो इसका सिंपल सा आंसर है, सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलकर के बना था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम क्या है? ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसी मुद्रा रूबल है। क्या है फ्रेंड्स? रूस की मुद्रा रूबल है। जैसे हमारे यहाँ पे रुपया है, रूस में क्या है? रूबल है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे? मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे? तो 1985 में बने थे। कब बने थे फ्रेंड्स? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ ने डैश में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। कब किया था? 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में डैश की नीति चलाई। किसकी नीति चलाई थी मिखाइल गोर्बाचेव ने? देखिए, आर्थिक सुधार हां, राजनीतिक सुधार हां, लोकतांत्रिकरण हां। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, देखिए 12 क्या बोलता है, सोवियत संघ ने 1991 में तख्ता पलट किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो बोरिस येल्त्सिन की रही थी। सोवियत संघ में जो तख्ता पलट हुआ था उसमें अहम भूमिका किसकी रही थी? बोरिस येल्त्सिन की रही थी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन देखिए इसमें 1991 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1991। और सोवियत संघ में रूसी क्रांति कब आई थी? 1917, तब उसका रूस का कहते जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया? तो कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 सालों तक, कितने सालों तक फ्रेंड्स? लगभग 70 सालों तक राज किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या किसे दी गई? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ की जो यूएनओ में स्थायी सदस्यता थी वो रूस को दी गई। कहते हैं रूस उत्तराधिकारी था सोवियत संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य एशिया में 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, कौन सा रहा मध्य एशिया में 10 वर्ष तक युद्ध की चपेट में? वह देश था ताजिकिस्तान। कौन सा देश था? ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी हिंसाएं हुई? और यह क्वेश्चन मैं बता दूं बहुत बार बोर्ड में आ रखा है, रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन हुए? तो इसका आंसर है चेचन्या और दागिस्तान। कौन सा फ्रेंड? चेचन्या और दागिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, 2001 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ, कितने द्विपक्षीय? तो 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ भारत और रूस के मध्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया, तो कौन सी शॉक थेरेपी को अपनाया, शॉक थेरेपी को अपनाया, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे आघात पहुंचा के उपचार करना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डैश हो गई, तो क्या हो गया, पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, क्या हो गई फ्रेंड्स, पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, 1991 के बाद डैश क्रांति डैश में कई प्रांतों में टूट गया, तो जो हमारा एक देश था यूगोस्लाविया कई हिस्सों में टूट गया, पहले तो ये पहले दो हिस्सों में टूटा था, यूगो प्लस स्लोवाकिया, फिर उसके बाद कई हिस्सों में टूट गया, ठीक है, तो इसका जो आंसर है 21वें का हो गया हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ से विघटन का कारण है, तो देखिए सोवियत संघ के विघटन का कारण कौन सा है, तो इसमें है हमारा हथियारों की होड़ के कारण सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा वह है, बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर की लंबी थी, तो बर्लिन की दीवार लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है, बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चनों में जब आप बड़े क्वेश्चनों का आंसर लिख रहे होते हैं तो इन सब पॉइंट्स को आप पुट कर सकते हैं वहाँ पे, तो बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही फ्रेंड्स, बर्लिन की दीवार लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था, तो बर्लिन की जो दीवार थी, बर्लिन की दीवार को आम जनता के द्वारा गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए सोवियत संघ के बारे में जनता को आर्थिक आजादी थी, नहीं जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी, तो देखिए निम्न को कालक्रम के अनुसार लगाना है, अफगान संकट 1979, बर्लिन की दीवार गिराई गई, फिर सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फ्रेंड्स हुआ हमारा रूसी क्रांति 1917, फिर सेकंड पे क्या हुआ था हमारा, सेकंड पर हुआ था फ्रेंड्स हमारा, पहला तो ये हो गया हमारा, पहला ए पर रख देंगे हम, ए पर रख देंगे हम डी को, ठीक है पहले नंबर पे, फिर सेकंड पे रख देंगे हम अफगान संकट, किसको रख देंगे, अफगान संकट 1979 में हुआ था, तो बी सेकंड नंबर पे हम रख देंगे ए को, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे क्या हुआ था हमारा, तीसरे नंबर पे हुआ था हमारी बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, क्या गिरा दी गई, बर्लिन की दीवार, ठीक है 1989 में, ठीक है, फिर सोवियत संघ का विघटन 1991 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं था, तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम मध्य में संकट नहीं था, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं फिर से अगेन, ये जो एकलव्य स्टडी पॉइंट के जो हमारे ई बुक है उसके आपको मैंने क्वेश्चन आंसर को करवाया है, ये वीडियो जो है इसका कोई कॉपी करने का मेन मोटिव हमारा कॉपी करना नहीं है, मेन मोटिव है गरीब छात्रों तक, जो स्टूडेंट ई बुक नहीं परचेज कर सकता उस तक ये वीडियो पहुंचाना है। अगर आपको 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 अगर इस वीडियो से कुछ भी फायदा पहुंचता तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।